वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। आपको पता होगा कि जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में वेब डिजाइनिंग के कंसेप्ट के बारे में नॉर्मली बता दिया है, तो जो आपको फर्स्ट कोर्स ऑफ स्टार्ट हो रहा है HTML टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, वेब डिजाइनिंग के अंदर फर्स्ट जो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका HTML है। तो हम HTML के पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसी के बाद कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट जो है हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आपका व्हाट इज HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language। इतना आपको पता ही होगा HTML क्या होता है। HTML stands for Hypertext Markup Language। ये क्या है? ये फुल फॉर्म है जो है HTML की। उसके बाद HTML आर यूज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। HTML जो प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके मतलब कंसेप्ट हैं अलग अलग नुमाए, तो हम उनको जो है थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जैसे वट इज अ टैग। टैग क्या होता है? टैग इज अ कोड और एलिमेंट। मतलब हम कोड को टैग भी बोल सकते हो और टैग को कोड भी बोल सकते हो और एलिमेंट को कोड बोल सकते हो और टैग बोल सकते हैं। मतलब एक ही चीजें हैं ये, बट जो इसकी मतलब एंग्लो ब्रैकेट में आगे लिखा है, जैसे देखो दे आर बीइंग विद द लेस देन साइन। मतलब स्टार्टिंग में आप लेस देन साइन लगता है एंड द ग्रेटर देन साइन। मतलब जो एंड होता है वो ग्रेटर देन साइन होता है। जो भी इसके बीच में लिखा जाता है उसे हम टैग कोड एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों नामों में से आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब किसी भी नाम से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग लोग होते हैं जो कुछ एलिमेंट्स बोल देते हैं, कुछ जो है कोड बोलते हैं, कुछ टैग बोलते हैं, बट नॉर्मल जो है इसे टैग ही कहें तो जो है बेटर होगा। ठीक है, आगे जानते हैं व्हाट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टैग। जस्ट लाइक किसी भी टैग के बारे में या कोड के बारे में जब कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे तो उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज डाली है और इमेज के अंदर जो है उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, बॉर्डर कितना है, ये उसके लिए क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ HTML टैग। फर्स्ट है एम्प्टी टैग और सेकंड है कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग इज ओनली स्टार्टिंग टैग, दे आर नो क्लोजिंग टैग। ये क्या होता है? ओनली स्टार्टिंग होता है, मतलब इसे क्लोज नहीं किया जाता। मतलब जैसे हर एक कोड होते हैं, जो भी आपके कोड स्टार्ट होंगे वो आपको क्लोज भी करना होता है। ठीक है, और कंटेनर टैग क्या है? कंटेनर टैग इज कंटेन स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग दोनों को कंटेन करता है, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो एक बार स्टार्ट हुआ उसे क्लोज करना है तो करना है, और एम्प्टी टैग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसे स्टार्ट किया चाहे आप क्लोज करो चाहे ना करो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाउ टू राइट HTML कोडिंग। अपने HTML कोडिंग को आप कहाँ पर राइट कर सकते हैं और कैसे राइट कर सकते हैं इसके बारे में नीचे जानेंगे। टू डिजाइन अ कोडिंग HTML, कैसे डिजाइन करते हैं? यू नीड ओनली टू थिंग्स। मतलब दो चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले तो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, जस्ट लाइक नोटपैड हो गया, नोटपैड 5 हो गया, लीफपैड हो गया। ये चीजें आपको चाहिए होती हैं जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर में पड़ा होता है, आपको डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप विंडोज 7 या XP या फिर 8, 9, 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इनके अंदर नोटपैड होगा। नोटपैड कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाने के बाद आप वहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद एक्सेसरीज पे जो है आपका नोटपैड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है रन पे जाएं, रन पे लिखें नोटपैड और एंटर मार दें, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने एक लास्ट में एग्जांपल दे रखा है लीफपैड। लीफपैड क्या होता है? लाइनेज के अंदर मिलता है, नोटपैड जैसा ही टेक्स्ट एडिटर होता है। अगर आप उसमें यूज करते हैं तो जो आप वहां पे जो है लीफपैड ही यूज कर सकते हैं, नोटपैड वहां पे नहीं चलते दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है HTML के वर्जन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में HTML आया था 1991 में, उसके बाद HTML 2.0 आया 1995 में और HTML 3.2 आया 1997 में दोस्तों, और XHTML जो है 2000 में आपका आया था। उसके बाद HTML 5 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ये 2014 में आया था। इसके अंदर दोस्तों ऑडियो वीडियो मतलब सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, बट नॉर्मल जो HTML है 1991 इनके अंदर ऑडियो वीडियो सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं एक्सप्लेन जो भी हम टॉपिक्स के ऊपर काम करने वाले हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। द एंगुलर ब्रैकेट में जो डॉक टाइप लिखा है ये क्या काम करता है? डिक्लेयर करता है डिफाइन टू द डॉक्यूमेंट HTML। मतलब जो भी आप कोडिंग करने चल रहे हैं इसको आप HTML जहाँ पे लिखते हैं, अगर आप उसके ऊपर डॉक टाइप लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो पहले ही डिक्लेयर कर देता है, डिफाइन कर देता है कि आप कोडिंग किसकी करने जा रहे हैं, HTML 5 की। जैसे मैंने आपको वर्जन्स के बारे में बताया, ये इतने सारे वर्जन्स होते हैं, तो इसमें से आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं कौन सा यूज़ नहीं कर रहे हैं ये कंप्यूटर को या सिस्टम को कैसे पता चलेगा? तो यही डिफाइन करने के लिए हम डॉक टाइप HTML यूज़ करते हैं। ये HTML 5 का साइन है दोस्तों।
उसके बाद द HTML, HTML कोड क्या होता है, जैसे हमने लिखा है टैग लिखा है, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जो भी आपका पेज आप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, उसके अंदर जब आप HTML लिखते हैं डॉक टाइप के बाद HTML एंग्रो पैकेट में लिखते हैं, तो ये क्या है, डिफाइन कर देता है कि अब हमारी यहाँ से कोडिंग इसके बाद हमारी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद है हेड कॉन्टेंट। हेड कॉन्टेंट क्या है, अगर आप कोई भी हेड मेटा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं पेज पे, मतलब हेडिंग डालना चाहते हैं, तो आप हेड कोड का यूज़ कर सकते हैं। और टाइटल क्या होता है दोस्तों, अगर आप जो भी पेज बना रहे हैं उसके ऊपर टाइटल भी डालना चाहते हैं तो आप टाइटल कोड का यूज़ करें। बॉडी एलिमेंट कंटेन अ विजुअल पेज ऑफ द कंटेंट, पूरे पेज की जो कोडिंग होती है ये बॉडी के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे आप पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, बोल्ड इटैलिक लगा रहे हैं, ये सब बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है जैसे पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, अगर आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ में इंक्लूड है। पैराग्राफ बंद कर देंगे फिर दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, नॉर्मल मैंने सिंटैक्स डाल रखा, आप नॉर्मल आप कैसे काम कर सकते हैं उस चीज़ को हम सिंटैक्स कहते हैं। सबसे पहले HTML मैंने डिफाइन किया, बट एक चीज़ मैंने नहीं की, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं HTML 5 की कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन ये यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डॉक टाइप, ठीक है दोस्तों, डॉक टाइप 5। उसके बाद हेड है, अगर आप हेड लगाना चाहते हैं तो लगाएं, ना लगाएं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों हेड और टाइटल जो है आपके पेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका हेड और टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं होते, अगर आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज आप ना डालें। उसके बाद है बॉडी। बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ द कंटेंट। ये क्या है, इस यहाँ से लेके इस बॉडी के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो भी लिख रहे हैं इसके पहले तक, वो भी आपका क्या होगा, बॉडी ऑफ द कंटेंट, वही आपका वेब पेज पे शो होता है और इसी के अंदर सारी कोडिंग्स आपकी की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैंने एंगुलर ब्रैकेट में सारी चीज़ें लिख रखी हैं। इस साइन को हम एंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, जो ये साइन है ग्रेटर देन और लेस देन का, इसके अंदर जो भी लिखा जाता है उसे हम कोड या टैग कहते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बता रखा है। और जब आप कोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे देखो क्लोज करने के लिए कोडों को स्लैश का साइन यूज़ किया जाता है। किसका साइन यूज़ किया जाता है, स्लैश का साइन हम यूज़ करते हैं कोडों को क्लोज करने के लिए। जैसे हेड मैंने डाला और हेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे जो मैंने डाला है ये इतना ही मेरा हेड है, ये इतना मेरा हेड है यहाँ पे जो भी हेडिंग डली हुई है। उसके बाद ये टाइटल है, ये इतना मेरा टाइटल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। बॉडी देखो दोस्तों, मैंने बॉडी स्टार्ट की थी, उसके बाद बॉडी के अंदर अपने कॉन्टेंट लिखे और लास्ट में मैंने बॉडी क्लोज कर दिया, मतलब इसके अंदर यहाँ पे बॉडी कंप्लीट हो गई। और लास्ट में जब हमने HTML क्लोज कर दिया, मतलब हमारी HTML की कोडिंग यहीं तक थी। उसके बाद जो हम फाइल को सेव करते हैं, जब तो आप सेव करोगे तो उसके बाद आप कोई भी नाम डालें, नाम डालने के बाद डॉट लगाएं, डॉट लगाने के बाद HTML लिख दें या HTML भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।